उज्जैन में दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई, जिसको लेकर उज्जैन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया है। माधवनगर थाना क्षेत्र में पाटीदार ब्रिज पर एक युवती का चाइना डोर से गला कट गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही आईपीएस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और माधवनगर सीएसपी विनोद मीणा, थाना प्रभारी मनीष लोधा, सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाश्रय सहित अन्य पुलिस अधिकारी पाटीदार हॉस्पिटल पहुंचे। उज्जैन पुलिस लगातार चाइना डोर विक्रेताओं पर कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं कर रही, लेकिन अब आईपीएस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा चाइना डोर विक्रेताओं पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। चर्चा में बताया गया, यदि चाइना डोर बेचते पकड़े गए तो उनके अवैध निर्माण भी जमींदोज कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो चाइना डोर खरीदता है उसके ऊपर भी उज्जैन पुलिस कार्रवाई करेगी। माधवनगर थाना क्षेत्र में 0 पॉइंट ब्रिज पे ये दुखद घटनाक्रम हुआ है, जिसमें चाइनीज डोर की वजह से एक स्कूटी सवार युवती की गला कटने से मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और जांच के बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। और हमारे द्वारा कोशिश ये रहेगी कि हम उस व्यक्ति को ट्रेस आउट करने का प्रयास करेंगे जो ये पतंग उड़ा रहा था, और वो जहाँ से ये खरीद के लेके आया उस विक्रेता पे भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे द्वारा कुछ महाकाल थानों और नीलगंगा थानों में भी कुछ कार्रवाइयाँ की गई है। ऐसे जितने भी चाइनीज़ डोर बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं, उन पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और बल्कि